हेलो एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। और आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का फिफ्थ चैप्टर, इंडिगो बाय लुइस फिशर। नाउ दिस चैप्टर इज अ रियल लाइफ अकाउंट फ्रॉम महात्मा गांधीज लाइफ। और ये जो चैप्टर है, इट इज टेकन फ्रॉम अ बुक दैट इज रिटन बाय अगेन लुइस फिशर, दैट इज नेम एज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। Now, in December 1916, Gandhiji has gone to Lucknow for the annual convention of Indian National Congress. And वहाँ पे उन्हें एक peasant मिलता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला। अब इस story में या फिर इस chapter में राजकुमार शुक्ला ही एक main इंसान है या main character है apart from Gandhiji, because he is the one who leads him to the further events. So, राजकुमार शुक्ला बोलता है गांधी जी से कि आई एम राजकुमार शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम विद मी टू माई डिस्ट्रिक्ट चंपारण। अब गांधी जी ने कभी भी चंपारण के बारे में नहीं सुना होता। एंड चंपारण कहाँ लोकेटेड था? चंपारण वॉज लोकेटेड ऑन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। सो वहाँ पर चंपारण लोकेटेड था। सो अंडर एन एंशंट अरेंजमेंट जो पीजेंट्स थे चंपारण के, दे वर बेसिकली शेयरक्रॉपर्स, और उन्हीं में से एक थे राजकुमार शुक्ला। एंड वो लखनऊ इसीलिए आए थे बिकॉज ही वांटेड टू कंप्लेन अबाउट दिस ओल्ड लैंडलॉर्ड सिस्टम टू द पार्टी। वहाँ पे किसी ने उन्हें बोला दैट यू स्पीक टू गांधी जी, एंड दैट इज़ वाई ही वेंट टू गांधी जी एंड ही टोल्ड हिम कि यू कम विद मी टू चंपारण डिस्ट्रिक्ट। सो गांधी जी, बिकॉज कभी उन्होंने इस जगह के बारे में सुना नहीं एंड ही हैड नो आइडिया वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ही वॉज ऑलरेडी बिजी विद हिज ओन इवेंट्स दैट ही हैड टू विजिट। सो ही सेड दैट आई हैव टू गो ऑन ऑल दीज इवेंट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन जहाँ जहाँ वो जाते रहे, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के साथ जाते रहे। सो बिकॉज ऑफ हिज फर्म डिटर्मिनेशन, चाहे वो इलिटरेट ही क्यों ना था, गांधी जी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। He was impressed by seeing कि कितनी ज़्यादा consistency है in राजकुमार शुक्ला, that he's following him every day, everywhere. So राजकुमार शुक्ला, he asked गांधी जी, please fix a date ताकि आप मेरे साथ चंपारण चल सको। So when गांधी जी was impressed, he told him that I have to be in Calcutta on such and such date and at that place, तो तुम मुझे वहाँ पे आके मिलना and then we'll go together. So जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। So गांधी जी जब कैलकटा में थे, राजकुमार शुक्ला उनके पास गए एंड देन दे बोथ बोर्डेड अ ट्रेन टू पटना इन बिहार। तो वो उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। वहाँ से राजकुमार शुक्ला लेकर जाते हैं गांधी जी को एक लॉयर के पास, और उस लॉयर का नाम क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद। सो व्हेन ही टेक्स हिम टू हिज प्लेस, राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं होते, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, और वहाँ पर उनके सर्वेंट्स होते हैं। नाउ हिज सर्वेंट्स नो राजकुमार शुक्ला वेरी नाइसली, दे नो हिम दैट ही इज़ अ पुअर पीजेंट, ही इज़ अ पुअर योमैन, जो बेसिकली बार बार तंग करता रहता है हमारे जो मास्टर या जो हमारे सर है उनको तंग करता रहता है। सो दे न्यू, बट दे डिड नॉट न्यू गांधी जी। लेकिन गांधी जी इतने ऑर्डिनरीली ड्रेस्ड थे कि उन्हें ऐसा लगा कि गांधी जी भी एक पीजेंट है। सो दे मिसअंडरस्टूड हिम एज अ पीजेंट एंड दे ट्रीटेड हिम लाइक दैट। And Gandhiji was not allowed to draw water from the well because उन लोगों को untouchability का भी डर था। So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और issue निकल के आता है सामने, that is of untouchability, जो गांधी जी ने यहाँ पे notice किया था। And what did it show? It showed the backwardness, the social backwardness of that place. So गांधी जी ने यहीं से सारी चीज़ें थी, he started capturing them, he started observing all these things. सो गांधी जी डिसाइडेड दैट नाउ ही विल गो टू मुजफ्फरपुर, और वहाँ पे जाके वो सारी की सारी डिटेल्स को गैदर करेंगे, जो सारी डिटेल्स शायद राजकुमार शुक्ला उन्हें नहीं प्रोवाइड कर सकता। सो व्हेन ही वाज गोइंग टू दिस प्लेस, व्हाट डिड ही डू, ही सेंट अ टेलीग्राम टू मिस्टर जेपी कृपलानी। ठीक है, वहाँ पे वो उन्हें टेलीग्राम भेजते हैं एंड ही रीचेस मुजफ्फरपुर ऑन 15 अप्रैल। सो वहाँ पे ही रीचेस, सो वहाँ पे जैसे ही रीचेस, प्रोफेसर जेपी कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका वेट कर रहे होते हैं। सो गांधी जी वहाँ पे डिसाइड करते हैं दैट ही विल स्टे फॉर 2 डेज एंड एट हूज प्लेस, ही विल स्टे एट अ गवर्नमेंट टीचर्स प्लेस हूज नेम इज मिस्टर मलकानी। तो उनकी जगह पे वो रुकते हैं एंड देन अगेन वहाँ पे उन्हें ऐसा लगता है कि इट्स वेरी ब्रेव ऑफ दिस गवर्नमेंट टीचर टू लेट मी
स्टे एट दिस प्लेस बिकॉज मैं एक तरह का रिबेल हूँ फॉर दिस ब्रिटिशर्स जिनके अगेंस्ट मैं आवाज़ उठाने वाला हूँ एंड यू बीइंग अ गवर्नमेंट टीचर आप गवर्नमेंट के अंदर हो और आप फिर भी मेरी मदद कर रहे हो. सो ही फील्स दिस. सो जब वो वहाँ पे होते हैं ही स्कोल्डेड और ही शाइडेड लॉयर्स. वाई ही स्कोल्डेड देम बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो फीस चार्ज करते हैं कोई भी केस लड़ने के लिए दैट इज टू हाई और वो इतनी हाई है कि ये पुअर पीजेंट्स उसको नहीं पे कर पाएंगे. एंड देन ही सेज दैट इन सच सिचुएशंस गोइंग टू लॉ कोर्ट्स इज कम्प्लीटली यूजलेस. वो कहते हैं कि लॉ कोर्ट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स लेके जाना बिल्कुल यूजलेस है बिकॉज दीज पीपल दे आर ऑलवेज बर्डन्ड या फिर दे आर ऑलवेज फियर स्ट्रिकन एंड हमें उनका जो ये डर है उनसे निकालना है और इस मामले में कोर्ट हमारी कोई मदद नहीं कर सकता. सो गोइंग टू कोर्ट इन सच केसेस इज कम्प्लीटली यूजलेस. ही वॉन्ट्स कि इन लोगों के जो मन में डर है वो निकल जाए. सो फर्स्ट ही शाइडेड द लॉयर्स एंड देन ही सेड दैट दीज लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस बिकॉज इन सच केसेस वेयर द पुअर पीजेंट्स आर सच पॉवर्टी स्ट्रिकन एंड फियर स्ट्रिकन गोइंग टू लॉ कोर्ट्स इज कम्प्लीटली यूजलेस. सो अब हम देखने जा रहे हैं वॉट वॉज द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दीज पुअर पीजेंट्स जिसकी वजह से राजकुमार शुक्ला इतने डेस्परेट थे कि गांधी जी उनकी मदद करें. सो लेट्स ओवरव्यू द प्रॉब्लम. सो द मेजर इश्यू वॉज कि जो भी मोस्ट एरेबल लैंड था इन चंपारण, एरेबल यानी कि जहाँ पे आप कल्टिवेट कर सकते हो क्रॉप्स दैट इज फिट फॉर कल्टिवेशन, तो जो भी लैंड था इट वॉज डिवाइडेड इंटू एस्टेट्स स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड दे वर ओन बाय इंग्लिश मैन, राइट, बिकॉज वी न्यू बिफोर 1947 वी वर अ कॉलोनाइज कंट्री, राइट. बट इन पे काम कौन करते थे? इंडियन टेनेंट्स. नाउ दीज इंडियन टेनेंट्स दे वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो विच वॉज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, राइट. अब इंडियन टेनेंट्स को 15% एज अ रेंट जो था इनको देना पड़ता था. सो दिस वॉज अ वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, राइट. बट नाउ वट हैपन्ड वॉज when Germany they invented or they discovered synthetic indigo, the Britishers they did not needed this indigo, this 15% indigo jo wo grow karte the they did not need it. So now inka jo long term contract tha of these poor peasants, of these poor Indian tenants they were working, that was completely finished, right, that was completed. Ab kya hona tha, these people also needed money. लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे सेड कि तुम्हें हम इस 15% वाले कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी दे रहे हैं एंड फॉर दैट यू हैव टू पे अस कंपनसेशन. सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एक तरफ से तो वो उनसे ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जस्ट फॉर फ्रीइंग देम दे आर आस्किंग फॉर कंपनसेशन. अब कई पीजेंट्स जो कि इलिटरेट थे जिनको नहीं पता था उन लोगों ने तो इस बात पे एग्री कर लिया था बट कई पीजेंट्स दे वर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस और उसी में से एक थे राजकुमार शुक्ला. सो जिन लोगों ने इस बात पे नहीं एग्री किया था दीज ब्रिटिशर्स दे हायर्ड थग्स, दे हायर्ड पीपल हु कुड बीट दीज पीपल एंड मेक देम एग्री टू दिस. बट पीपल लाइक राजकुमार शुक्ला दे वर द वंस जो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे. दे वॉन्टेड देअर जस्टिस एंड दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम. एंड एट दिस मोमेंट गांधी जी जब चंपारण में आए तो उसकी ये कंडीशन थी. सो गांधी जी वॉज गोइंग टू रीएड्रेस विच इशू, ही वॉज गोइंग टू एड्रेस दिस इशू कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने गलत किया है विद दीज पीजेंट्स. सो नाउ गांधी जी विजिट्स ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन. तो वहाँ जब वो जाते हैं वहाँ पे उनको कहते हैं वो when he asks for the details about everything, so he's denied. He's told ki you're an outsider and you cannot have all the information. So Gandhi ji ko bahut ajeeb lagta hai. He is like ki main outsider nahi hu, tum outsider ho. Main isi country mein rehta hu and this is my place. So I have the right to ask all the information. But he was not given any information. So then Gandhi ji decided to call British official commissioner and उनको जब उन्होंने कॉल किया सो उन्होंने उनको ढंग से ट्रीट नहीं किया ऑन द कॉल एंड ही इन फैक्ट टोल्ड हिम दैट ही शुड कम्प्लीटली गो अवे फ्रॉम चंपारण और ही शुड क्विट चंपारण. ही बुलीड हिम. सो दिस इज हाउ ही वॉज ट्रीटेड ट्वाइस, फर्स्ट जब वो बात करने गए थे एंड सेकेंड
जब उन्होंने कॉल किया, सो दिस इज हाउ ही वॉज ट्रीटेड, ही वॉज मिसट्रीटेड. बट गांधी जी डिड नॉट डिसाइड टू लीव एंड ही वॉज डिटरमाइंड कि वो इन पुअर पीजेंट्स को उनका जस्टिस दिला के रहेंगे. सो इंस्टेड ऑफ बींग थ्रेटन्ड, ही वेंट टू द कैपिटल ऑफ चंपारण, दैट इज मोतिहारी. सो वहाँ पर वो जाते हैं एंड ही ऑल्सो सेड दैट टू हिज फेलो लॉयर्स, जो उनके लॉयर्स थे उनके साथ, उनके दोस्त थे, दैट तुम अपने साथ कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को लेके आना. एंड देन दे वेंट टुगेदर टू मोतिहारी. वहाँ पर जाके एक हेडक्वार्टर में बैठ के What happens? He gets a news. He gets a report कि पास में ही किसी peasant को mistreat किया गया है, या he is threatened, या he is punished and उसके साथ ढंग से व्यवहार नहीं किया गया है. So when he hears this news, गांधी जी decided कि वो खुद जाके देखेंगे इस situation को, खुद जाके अपनी आंखों से witness करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं लोग, so that he has enough facts with him when he is going to confront the Britishers. So what he does? नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेट्स ऑन द एलिफेंट, उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं, एंड देन ही गोज देयर. लेकिन उनको वहाँ पे बीच में रोक दिया जाता है, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है वहाँ पे उन्हें रोक देता है एंड ही आस्क्स हिम टू गो बैक. बट गांधी जी वॉज फर्म, ही वॉज डिटरमाइंड एंड ही डिड नॉट गो बैक. फिर एक मैसेंजर आता है एंड ही ड्रोव हिम टू होम एंड ही गेव हिम दिस स्लिप कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा. लेकिन गांधी जी उस स्लिप पे साइन करके देते हैं दैट आई डिसोबे योर ऑर्डर, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा. नाउ बिकॉज ऑफ दिस एपिसोड गांधी जी को अगले दिन सुबह एक समन आता है कोर्ट की तरफ से दैट ही हैज़ टू अपियर इन कोर्ट. सो उस दिन पूरी रात गांधी जी सोते नहीं है एंड ही इज़ वेरी टेंस्ड कि अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा और मैं किस तरह से इन पुअर पीजेंट्स को इस्केपेबल बना पाऊँगा कि ये अपने लिए लड़ पाए और ये जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको ये कन्फ्रंट कर पाए ब्रिटिशर्स के सामने, ताकि ब्रिटिशर्स उनकी बात समझ पाए. सो दिस वॉज एवरी थिंग दैट वॉज गोइंग ऑन इन गांधी जीज माइंड. सो दैट नाइट गांधी जी टेलीग्राफ्ड हिज फ्रेंड राजेंद्र प्रसाद एंड उनको बोला था कि तुम अपने साथ अगेन कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल लेके आना. एंड ही इवन सेंट अ मेल टू द वॉइसरॉय एंड ही वायर्ड दिस डायरेक्टली, ये सारी चीज़ें जो ही वॉज डूइंग ताकि एक अकाउंट रहे, ताकि एक रिकॉर्ड रहे फॉर वट एवर दैट इज हैपनिंग. सो दैट इज वाई ही सेंट अ मेल टू, या ही सेंट अ वायर टू द आश्रम एंड देन ही वॉज यू नो कीपिंग एवरीबडी इन माइंड एंड ही वॉज टेकिंग हिज एक्शंस. सो देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब टाइम आया कि गांधी जी को जाना था कोर्ट में, सो ही वॉज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम एवरीबडी, क्योंकि सारे के सारे लोग वो गांधी जी को ये समझ रहे थे दैट दिस इज़ द पर्सन हु कैन हेल्प अस टू गेट जस्टिस. उन्हें नहीं पता था कि गांधी जी बाहर से पढ़ के आए हैं, ही इज़ गॉन टू साउथ अफ्रीका, वहाँ पे उन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है या जो भी बाहर इनजस्टिसेस है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है, ही इज़ लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देयर, ही इज़ कम हियर. यहाँ के लोगों को इतना सब कुछ नहीं पता था. दी ओनली न्यू वन थिंग दैट दिस इज़ द मैन हु कैन सेव अस फ्रॉम दिस फॉल्स एग्रीमेंट, हु कैन हेल्प अस. सो दे हैड दिस थिंग इन माइंड. सो गांधी जी जब जा रहे होते हैं कोर्ट की तरफ, इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल क्राउड होता है दैट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स दे कुड नॉट डू एनीथिंग विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ गांधी जी. सो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था गांधी जी का. सो गांधी जी ही टोल्ड ऑल द क्राउड, ही टेल्स देम टू, ही पैसिफाइज देम बेसिकली एंड देन ही एंटर्स द कोर्ट. अब जैसे ही वो कोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, अगेन even the judge and everybody in the court is very surprised as look at you know looking the amount of strength, the amount of support he is having from everybody. So because of that the prosecutor says ki hum he asks the judge ki kya hum is court ka jo procedure hai wo hum delay kar sakte hain ya postpone kar sakte hain. Lekin gandhi ji he felt bad. Gandhi ji ne kya bola that nahi You should not do this because of me. Now he said some very important lines. Let's have a look. Oh, kya lines hai?